हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रिकी पॉइंट। आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में ट्रिकी पॉइंट 0.7 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सब के सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइम सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 5 खिलाड़ियों के, बी 7 खिलाड़ियों, सी 9 खिलाड़ियों और डी 11 खिलाड़ियों के लिए। आपके आंसर हो जाएंगे 11 खिलाड़ियों के लिए। कितने खिलाड़ियों के लिए? 11 खिलाड़ियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मूल अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ऑस्ट्रिया और डी जापान। आपके आंसर हो जाएंगे कनाडा। कौन से हो जाएंगे? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 3, 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी छत्तीसगढ़। आपके आंसर हो जाएंगे डी छत्तीसगढ़। कौन से? छत्तीसगढ़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में शिलोंग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए राजनाथ सिंह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया और डी नरेंद्र सिंह। आपके आंसर हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन हो जाएंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी हमीरपुर। आपके आंसर हो जाएंगे सी वाराणसी। कौन से हो जाएंगे? वाराणसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी फेसबुक, डी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। आपके आंसर हो जाएंगे डी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। कौन जाएंगे? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्याण कुमार को हाल ही में किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी केनरा बैंक, सी यस बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। आपके आंसर हो जाएंगे पंजाब नेशनल बैंक। कौन हो जाएंगे? पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में पहली बार हमारी आकाशगंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए स्पेस एक्स, बी ईशा, सी नासा और डी इसरो। आपके आंसर हो जाएंगे सी नासा। कौन लगाया है? नासा ने लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 9, भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 25 अक्टूबर, बी 26 अक्टूबर, सी 27 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे सी 27 अक्टूबर। कितने तारीख मनाया गया है? 27 अक्टूबर को। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। 10, AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक में किसने भाग लिया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए अमित शाह, बी रामनाथ कोविंद, सी निर्मला सीतारमण और डी इनमें से कोई नहीं।
आपके आंसर हो जाएंगे सी निर्मला सीतारमन। कौन हो जाएंगे? निर्मला सीतारमन। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी पहुँच सके, और वीडियो को शेयर करके चैनल का सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।